मित्रों नमस्कार। कोरोना चल रहा है और हम 2 महीने में परेशान हो गए। भगवान श्री राम को कितने वर्षों का वनवास मिला आपको पता है, लेकिन भगवान श्री राम जंगल में मंगल कर देते हैं। भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो 2 कारण से वो सहर्ष तैयार थे, अंतस मन से तैयार थे। पहला कारण था उनके पिताजी का आदेश, दूसरा उनको विश्वास था कि वह जंगल में मंगल कर देंगे, जहां अभाव है वहां वो भाव पैदा कर देंगे। भगवान को वनवास मिलता है, वन शब्द आते ही, अरण्य शब्द आते ही एक ऐसा खाका तैयार होता है जिसमें कोई सुख सुविधाएं नहीं है, जिसमें कोई आराम की जिंदगी नहीं है। एक राजा का पुत्र होकर के जंगल में रहे, अभाव में रहे, हम सोच सकते हैं। और आज हम कोरोना के युग के अंदर छोटे से समय के अंदर इतने परेशान हो गए और हम ये कहते हैं कि साहब हमारे घरों को जंगल बना दिया गया है, हम समय व्यतीत करें तो कैसे करें। हमारे ऊपर समस्याओं का एक सैलाब सा आ गया है। अब दोस्तों मुझे लगता है कि जो रामायण का प्रसारण किया गया है इसीलिए किया गया है, इस देश को पता चले कि भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की जो प्रकाष्ठा है, उनका जीवन कैसा है, उनका अगर 1% हम पालन कर लें तो हमारा जीवन सुधर जाए। भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो उन्होंने वन के अंदर अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी, उन्होंने अध्यात्म से संबंधित परा और अपरा विद्या जो है उसका ज्ञान लिया, उन्होंने लोक व्यवहार कैसे है ये सीखा, उन्होंने ऋषि मुनियों के संपर्क में रहे और विभिन्न तरीके के ज्ञान जो हैं उन्होंने लिए। और दोस्तों हमारे लिए जो समय है कोरोना का, हम रो रहे हैं, हम पलायन कर रहे हैं, मन में बेचैनी है, उद्विग्नता है, तो आप तुलना करके देखो, भगवान श्री राम को आप अपने सामने रख लीजिए और देख लीजिए, हमें कोरोना का रोना नहीं रोना है। हमें जो समय मिला है इसी में से रास्ता निकालना है और इसका जो प्रयोग करना है वो सृजनात्मक करना है। हम कुछ ऐसा करें जिसमें हमें लगे कि जैसे भगवान श्री राम को इतने वर्षों का वनवास मिला और उस वनवास के अंदर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने आशावाद का संचार किया। वनवास में भगवान श्री राम एक मनोबल गुरु की भूमिका के रूप में नजर आते हैं। वो सीता जी और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जीवन में कभी भी विपत्ति आए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। यही कारण है कि जब रावण सीता जी का अपहरण कर लेता है तो सीता जी का मनोबल गिरता नहीं है, सीता माता जी धैर्य नहीं खोती है और युक्ति सोचती है और युक्ति के अंदर वो अपने कुछ आभूषण नीचे गिरा देती है और आगे चल करके ये जो भाव है उनके मन के अंदर है कि प्रभु श्री राम के लिए एक रास्ता बने कि मैं कहाँ जा रही हूं। निराशा है, चिंता है, लेकिन सीता जी उस समय भी मनोबल की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कारण है प्रभु श्री राम। तो भगवान राम एक शिक्षक है, एक मित्र है, एक दार्शनिक है, एक पथ प्रदर्शक है, एक जीवन जीने की पद्धति है, एक वे ऑफ लाइफ है। हमारी जो संस्कृति है वो भगवान श्री राम से पुष्पित और पल्लवित होती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो सत्ता है वो जीवन की सच्चाई नहीं है, सत्ता जीवन की सच्चाई नहीं है, इसलिए भगवान राम सत्ता विभीषण को सौंप देते हैं और कहते हैं कि सत्ता जीवन की सच्चाई नहीं है। भगवान राम जिस गुड गवर्नेंस की हम आज बात कर रहे हैं, विश्व बैंक आज बात कर रहा है राम राज्य की अवधारणा के अंदर, उस समय सब कुछ था, शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित, हर वर्ग का जो ध्यान रखा वो भगवान श्री राम ने रखा। भगवान श्री राम टीम वर्क में विश्वास करते थे, उनके साथ में चाहे सुग्रीव की बात हो, चाहे हनुमान की बात हो, चाहे जामवंत की बात हो, भगवान श्री राम टीम स्पिरिट में, टीम भावना के अंदर विश्वास करते हैं। आज के युग के अंदर जो मैनेजमेंट के बड़े बड़े गुरु जो बात कहते हैं वो राम राज्य के अंदर और उनके नागरिकों के लिए बहुत पहले फलीभूत हो गई थी, जिसे हम आज गुड गवर्नेंस के रूप में कह रहे हैं।
भगवान श्री राम का देखो आप अनन्य विश्वास देखो, एक केवट छोटी सी हेल्प करते हैं उनकी और वो भगवान श्री राम उनको सखा मान लेते हैं। भगवान श्री राम के जीवन में जो भी जिस रूप में ही काम आए, जब पुल बन रहा था तो गिलहरी मिट्टी ले जा रही थी, तो भगवान श्री राम ने पूछा तू एक छोटी सी जीव तेरी क्या दिशा, हंसी ठिठोली में भगवान ने पूछा, उसके भाव लेना चाह रहे थे, प्रतीकात्मक कहानी है कि तू क्या कर सकती है। तो गिलहरी बोली कि हे प्रभु, जब भी सृजन की बात हो, निर्माण की बात हो, आपके साथ में काम करने वाले योगदान देने वालों की बात हो, तो मेरा जो नाम आए वो सृजन करने वालों में और काम करने वालों में आए, मेरा नाम नाकारा लोगों के अंदर नहीं आए। तो दोस्तों आज कोरोना चल रहा है, भगवान श्री राम से हम जोड़ करके कहें तो हमारा इस समय जो योगदान है इस रूप में होना चाहिए कि गिलहरी की तरह एक छोटी सी बूंद, एक छोटी सी रेत का अंश किसी रूप के अंदर हो, हमारा योगदान नजर आना चाहिए। और ये आपातकाल है, ये संक्रमण का समय है, चिंतन करो, मनन करो, धर्म ग्रंथ पढ़ो, संस्कृति को समझो, हम खुद है क्या है उनको समझो, अपने परिवार को समझो, अपनी पीढ़ियों को समझो, अपने गांव को समझो, अपनी ढाणी को समझो, जिस चीज में रुचि है, आपकी हॉबी है, फिल्म है, गीत है, संगीत है, गायन है, नृत्य है, वादन है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो मन को सुकून देती है वो करो। भगवान श्री राम भी यही कहते हैं, भगवान श्री राम मनोबल के गुरु है और मनोबल के गुरु वो इस रूप के अंदर है कि जो भी उनके साथ में काम करता है वो भगवान श्री राम का ही बनकर के रह जाता है। हनुमान जी तो कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मेरे रोम रोम के अंदर राम बसे हुए हैं, हृदय चीर करके दिखाते हैं तो उसके अंदर भगवान श्री राम नजर आते हैं। तो आज संगठन के अंदर कोई भी व्यक्ति उच्च अधिकारी हो उसके प्रति इतनी निष्ठा क्या संभव है? उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के बीच के अंदर आज जब इतने तनाव है, आपस में एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव है, तो हमें भगवान श्री राम से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जिस स्टाफ के साथ में, जिन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, हम उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा हम उनका ख्याल रखें, ताकि वो भी हमारे प्रति वैसी ही दृष्टि रख सके। और जिस मेंटल रिवोल्यूशन की बात टेलर बहुत बाद में करते हैं कि उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी मिलकर के काम करें, उसकी बात बहुत पहले कर देते हैं। हेनरी फियोल के जो मैनेजमेंट के सूत्र है भगवान राम बहुत पहले कर देते हैं। टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उसकी बात बहुत पहले कर देते हैं। गुड गवर्नेंस की बात भगवान श्री कर देते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर जिस सुशासन की बात है उसकी बहुत पहले भगवान श्री राम चर्चा क्या करते हैं वो पालन कर देते हैं। तो भगवान श्री राम एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक शासक के रूप में, एक मित्र के रूप में, हर रूप के अंदर, हर कसौटी पे भगवान श्री राम खड़े उतरते हैं। अगर किसी भी संगठन को, चाहे वो प्राइवेट संगठन हो, चाहे वो सरकारी संगठन हो, भगवान श्री राम के जीवन को आंशिक रूप से अपना ले, 1% अपना ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे किसी भी मैनेजमेंट की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भगवान श्री राम एक दृष्टि है, भगवान श्री राम एक विजन है, और वो विजन ये है कि हम एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जिसमें तेरा और मेरा नहीं हो। भगवान श्री राम का मैनेजमेंट यही कहता है कि आप ऐसा काम करो जिसमें और लोग आपके साथ में और खुद में किसी तरीके का कोई भेदभाव ना करे। ये जब भेद खत्म हो जाता है और दृष्टि अभेद हो जाती है, वही मैनेजमेंट भगवान श्री राम का कहलाता है और वही विश्व कल्याण का और व्यक्तिगत कल्याण का मार्ग है। तो दोस्तों देखते रहिए मेरा चैनल जिसका नाम है टेक्निकल जोगिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।